फिर एक बार बड़े पर्दे पर नजर आएगा सलमान खान के साथ सुपरस्टार प्रभु देवा का कॉम्बिनेशन। प्रभु देवा जो इससे पहले सलमान को दबंग 3 में भी डायरेक्ट कर चुके थे और उससे पहले सलमान को वो लेकर आए थे उनके एक्शन अवतार में जब आई थी फिल्म वॉन्टेड। वॉन्टेड के बाद से ही सलमान खान के करियर की एक नई पारी की शुरुआत हुई थी। वॉन्टेड के पहले भी सलमान ने कुछ एक्शन फिल्में ट्राई की थी लेकिन उसमें उतना एक्शन नहीं था जो प्रभु देवा ने फिल्म वॉन्टेड में डाला था। शायद इसीलिए सलमान खान और प्रभु देवा के साथ जब लौट रहे हैं तो लेकर आ रहे हैं राधे द मोस्ट वॉन्टेड भाई, क्योंकि इसमें भी वॉन्टेड का वही फ्लेवर नजर आएगा जो शायद प्रभु देवा ने फिल्म वॉन्टेड में दिया था। प्रभु देवा इससे पहले कई हिंदी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं जिसमें वॉन्टेड के अलावा उनके नाम लिखी गई है रमैया वस्तावैया, राजकुमार और राउडी राठौर। आर राजकुमार और राउडी राठौर दोनों ही बड़े पर्दे पर काफी सक्सेसफुल रही थी। आर राजकुमार का शाहिद कपूर का अभिनय और दूसरी तरफ राउडी राठौर में अक्षय कुमार के एक्शन टाइमिंग देखकर लोग काफी दंग रह गए थे और लोगों को ये दोनों ही फिल्में बहुत पसंद आई थी। अब देखना ही है कि सलमान खान और दिशा पटानी का कॉम्बिनेशन लेकर जो प्रभु देवा आ रहे हैं उसमें क्या ज्यादा देखने को मिलेगा। एक तरफ तो सुपर फिट फ्लेक्सिबल डांसिंग आइकॉन दिशा पटानी है, दूसरी तरफ है हमारे डैशिंग भाई जो अपने एक्शन अवतार और यूनिक डांस मूव्स के लिए जाने जाते हैं। वहीं डायरेक्शन कर रहे हैं प्रभु देवा जो अपने एक्शन के साथ साथ अपनी कोरियोग्राफी के लिए भी जाने माने जाते हैं। तो अब बड़े पर्दे पर सलमान ज्यादा डांस करेंगे या फिर होगा ज्यादा एक्शन, ये तो बताएगी 13 मई जब रिलीज होगी राधे द मोस्ट वांटेड भाई आपके नजदीकी सिनेमा घरों में और साथ ही OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी। आ रहे हैं सलमान भाई।